कंपनी हमने आपको दिखा दी कि काम यहाँ पर डेवलपमेंट का जारी है, जो हमारे पास 10 प्लॉट्स हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं किसी किस्म में। जैसे हमने आपको बताया था कि जो हम 10 प्लॉट्स हैं हमारे पास जो है, जिनकी फाइल्स और अलाटमेंट लेटर हमारे पास है, उनकी अगर आपने जब परचेज़ करना है अगर आप में से किसी ने, तो उसकी जो फाइल होगी उसको आप जो अलाटमेंट लेटर होगा क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसकी करवा सकते हैं। वो आपको मैं ऑफिस भी वीडियो में दिखा देता हूँ जहाँ से आपने जाकर क्रॉस वेरीफाई करवाना है। एरिया जहाँ पर एफिल टावर कनेक्ट होगा, और दोनों जगह पे हम जाएंगे, जहाँ पे अभी काम जारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि काम कहाँ पे जारी है और किस कितनी तेज़ी से काम जारी है। ये देखें, यहाँ पे बकायदा कंस्ट्रक्शन जारी है, ये रोड्स बन रही हैं और कुछ एरिया में सीवरेज का निज़ाम भी था, वो सीवरेज के पाइप डाल रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि मुझे एस सच कोई व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिकली ये बंद तो एक व्लॉग ही रहा है, और अमून भाई को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग का, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अवॉइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ैन फ्रॉम ज़ैन टीवी। और जैसे कि आपने जो पिछली दो वीडियोस आपने देखी, लास्ट टू वीडियोस जो कि दो पार्ट्स के ज़रिए मैंने अपलोड की थी, हमने आइफल टावर के हवाले से, सिटी हाउसिंग जेलम में जो आइफल टावर के हवाले से प्लाटिंग के हवाले में बात की थी, मुकम्मल उसकी डिस्कशन की थी। तो आज इस वक्त मैं अपने अमून भाई के साथ यहाँ पर आया हूँ, जो आइफल टावर का मुकम्मल मैं आपको उसका व्यू दिखाऊँगा कि जिस जगह पर आपको वो प्लाट्स की मैंने बताया था कि 10 प्लाट्स जो हमारे पास हैं, उसी सिलसिला में वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम जारी है। तो आज आपको मैं मुकम्मल उस एरिया का व्यू दिखाऊंगा और साथ साथ सिटी हाउसिंग के अंदर के भी मुकम्मल आपको जो रोड शॉट्स होंगे वो भी इसी वीडियो में नज़र आएंगे साथ साथ, और जो इसके बाकी अदर ब्लॉक्स हैं इधर, उसमें भी अगर आपको प्लॉट चाहिए हो जो कि डेवलप हो चुके हैं ब्लॉक्स, वहाँ पर भी अगर आपको प्लाट्स चाहिए हों, उसके अलावा मकान चाहिए हो या रेंट पर रहने के लिए मकान चाहिए हो, तो वो भी अवेलेबल हैं। अमून भाई के साथ मैं फिर एक दफ़ा वीडियो में हाज़िर हुआ हूं और मुकम्मल आइफल टावर का रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम इसका सिटी हाउसिंग में एंटर होंगे, मेन गेट पर इस हम अवेलेबल हैं, खड़े हैं, तो अभी आप इसको अंदर वाली साइड पर आपको मुकम्मल जो जो एरिया वीडियो में आएगा साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह चलते हैं आइफल टावर की तरफ और मुकम्मल उसकी डिटेल और बाकी जो सिटी हाउसिंग के बाकी ब्लॉक्स हैं उसकी डिटेल आपको बताते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम इस वक्त सिटी हाउसिंग जेलम में आ चुके हैं, ये सामने आप इसका व्यू देख रहे हैं सिटी हाउसिंग का, और इस तरह से मैं आपको दिखा दूं ये सारा कमर्शियल जो एरिया है, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ आपको शॉप्स, और इस तरफ भी आपको दिखा दूं कि जो यहाँ पर डीलर्स भी हैं उनका भी ये सामने ऑफिसेज बने हुए हैं। तो अभी हम आपको लेकर जाएंगे, इसके बारे में आपको बताया था दो वीडियोस जो लास्ट हमने कन्वर्सेशन की थी कंप्लीट उसकी हवाले से, आइफल टावर के हवाले से। तो अभी हम आपको उसी तरफ लेकर जाएंगे, और जो इसके बाकी भी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स जो बाकी भी आएंगे रास्ते में, उसके भी आपको साथ साथ डिटेल बताते जाएंगे, और अमून भाई हैं जो वही आपको इसका डिटेल्स बताएंगे क्योंकि उनको इस एरिया का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जो बाकी ब्लॉक्स आएंगे वहाँ पर अगर आपको प्लॉट चाहिए हो, कोई मकान चाहिए हो, और अगर कोई रेंट पर भी चाहिए हो, तो इंशाल्लाह आपको हम अरेंज करके देंगे। तो ये आप एंटर इस तरफ, हम बी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, इसके जो लेफ्ट साइड पे जितना भी एरिया ये बी ब्लॉक है। सही है, ये सामने बी ब्लॉक वीडियो में भी नज़र आ रहा है, जो इस तरफ है सारा ये एरिया बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पर एक नाल की भी प्लाट है, 7 मरले का भी प्लाट है, 10 मरले की प्लाट है, 5 मरले की प्लाट है। सही है, और यहाँ पे इनका अपना इस एरिया का जो कमर्शियल छोटा सा एरिया बना हुआ है वो अलग है। ठीक हो गया, और जो इनकी मेन मस्जिद है वो भी इसी ब्लॉक के साइड पर है। ठीक हो गया, अगर इस एरिया में भी डेवलप एरिया है ये सारा, तो जहाँ पर भी चाहिए हो तो प्लाट मकान अवेलेबल है। जी, ये सारा एरिया डेवलप है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी प्लाट अगर चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा, मकान चाहिए हो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और इवन इसके अलावा अगर आपके पास प्लाट है तो आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, यानी कि विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन का भी। जी, विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम भी है, और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ हैं A+, A++, B+, इसमें भी हम काम करते हैं। सही है, ये व्यूअर्स सामने जो मेन एंट्रेंस है सिटी हाउसिंग का, मेन थीम पार्क जू टाइप और पार्क मुकम्मल बना हुआ है। अब ये जो जितना एरिया है ये भी आप देखें, यहाँ पे आपका जो ये मस्जिद है, जो इनकी मेन मस्जिद है, ठीक है,
और ये जो एरिया भी बनेगा ये यहाँ पे आपके जो घर वगैरह बन रहे हैं इसके साथ साथ आपके अपार्टमेंट्स यहाँ पे लोग बनवा रहे हैं। ठीक है। अभी जो बी ब्लॉक की जो दूसरी साइड है इसके बेसिकली दो मेन गेट है, एक मेन गेट जो पहले वाला मेन गेट है और एक जो मेन गेट है वो ये वाला मेन गेट, दोनों जगह से इसकी एंट्री है और ये दोनों मेन गेट जीटी रोड के साथ मुंसलिक हैं। और आपको बताता चलूँ कि मुझे SH कोई व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिकली ये बंद तो एक व्लॉग ही रहा है, और अमून भाई को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग का, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अवॉइड कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पे बकायदा कंस्ट्रक्शन जारी है, ये रोड बन रही है और कुछ एरिया में तो सीवरेज का निज़ाम नहीं था, वो सीवरेज की पाइप डाल रही थी। अब हम दोबारा थीम पार्क की तरफ जा रहे हैं और थीम पार्क के जो बैक साइड में जो रूट्स है और वो एरिया जहाँ पर एफिल टावर कनेक्ट होगा, और दोनों जगह पे हम जाएंगे, जहाँ पे अभी काम जारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि काम कहाँ पर जारी है और किस कितनी तेज़ी से काम जारी है। अब ये थीम पार्क के बिल्कुल सामने जो सा वो एरिया वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक जी, ये साथ वाला बी ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक सही हो गया। ये उस तरफ हम आपको लेकर गए थे वो एरिया दिखाने के लिए, तो ये जो थीम पार्क हम उसी जगह पर दोबारा आए हैं वो एरिया दिखाने के लिए कि जहाँ पर जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन का काम सीवरेज का काम जारी है वो आपको व्यू करवाने के लिए गए थे। ये डी ब्लॉक है, ये सामने डी ब्लॉक, यहाँ पर फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सिटी हाउसिंग का नक्शा है उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, फ्रंट पे जो घर है या जो प्लाट है वो एक किनाल दो किनाल के प्लाट है और उसके बैक साइड पे जो है वो बाकी प्लाट है, और ये इसी ब्लॉक के अंदर जो सा इसके बिल्कुल सामने जो सा ई ब्लॉक है और इस ई ब्लॉक के अंदर जो है वो रूट्स मिलीनियम इंटरनेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का स्कूल है जहाँ पे ओ लेवल ए लेवल और जो छोटी क्लासेस हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। ये सिटी हाउसिंग का पर्सनल इसका नहीं, पर्सनल नहीं है, ये बिल्कुल प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल ही है लेकिन इनका इनसे कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर भी बैरिया टाउन है और सिटी हाउसिंग है वहाँ पर रूस मिलीनियम इंटरनेशनल स्कूल है। ठीक है, अभी हम बेसिकली जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जितने भी जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं ये बेसिकली ये सारे के सारा एरिया जो है वो एफिल टावर के अंदर आएगा। ठीक है, इसकी एक जो एंट्रेंस है वो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ से जो आपकी बाउंड्री वाल है वो भी ख़त्म की है उन्होंने, यहाँ से बाकायदा उसको ये लेवल कर रहे हैं, एक एंट्री लेवल इसका यहाँ से होगा और हम इसके साथ साथ बाकी जो एरिया है वो भी हम आपको बताएँगे लगे दिखाएँगे। साथ एक रोड जाती है इसके अंदर हम जाएंगे, एंड से भी रोड जा रही है लेकिन वो आगे से कंस्ट्रक्ट हो रही है। सिटी हाउसिंग में ये एक ही स्कूल है? हाँ जी, अभी ये जो स्कूल है ये डल स्टैंडर्ड के ये भी एक ही स्कूल है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बनने का है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने जगह अक्वायर कर ली हुई है। अच्छा, और हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट का स्कूल यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि इन फ्यूचर चांसेस हैं गवर्नमेंट स्कूल के भी। सारी कंस्ट्रक्शन अभी जा रही है, हम अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि प्लाट्स की कंस्ट्रक्शन कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये बेसिकली सारी बाउंड्री वाल है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन हम अभी आपको ऐसे क्लियर व्यू में लेके जाएंगे जहाँ से आपको एफिल टावर की जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है वो भी नज़र आएंगी, मशीन्स भी नज़र आएंगी, उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी आप देख सकेंगे। ये
एरिया है ये सारा एफिल टावर, ये एफिल टावर में आएगा। और अगर आप देखें या कैमरा हमारा दिखा सके तो यहाँ पे बकायदा अभी कच्चे रास्ते बनना स्टार्ट हो गए, वो जिधर आगे जाके रुकते हैं ना उधर से क्लियर व्यू उसका इंशाल्लाह आ जाएगा। ये भी मुकम्मल एरिया ऐसे ही सेल आउट हुआ था बैलेटिंग करके जी, ये भी ऐसे सेल हुआ था, पहले अलॉटमेंट लेटर और ट्रांसफर फाइल्स हुई थी और इन द एंड बैलेटिंग हुई थी। असल में बैलेटिंग का मकसद ये होता है कि कोई ये कंप्लेन ना कर सके कि मुझे ये वाला प्लाट क्यों नहीं दिया गया, इसलिए बैलेटिंग की जाती है ताकि अगर आपकी लक है तो आपको कोई भी प्लाट मिल सकता है। सही, ये भी आप देखेंगे जो हैवी मशीन जो जा रही है ये भी बेसिकली उसी साइड पे जा रही है जहाँ पे आईफल टावर। इस टाइम सिटी हाउसिंग में आईफल टावर में ही काम जा रही है डेवलपमेंट का जी, इस टाइम आईफल टावर में है। और इसके साथ साथ अभी इन फ्यूचर में इनका इरादा है ओवरसीज ब्लॉक का, लेकिन अभी तक ना उसके ऊपर काम जारी हुआ है ना उसकी फाइल्स, इन फ्यूचर है, अभी जस्ट आईफल टावर में काम है। सही है, ये मशीनरी आप देख रहे हैं ये भी उसी डेवलपमेंट के काम के लिए ही आगे जा रही है आईफल टावर की तरफ। फिर बताता चलूं कि जो बाकी ब्लॉक्स हैं जितने आप जो एरिया देख रहे हैं जितने ब्लॉक्स हैं सिटी हाउसिंग में, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो इसका मैप है सिटी हाउसिंग का वो भी शेयर कर सकूं, अगर ना कर सका तो बता दूं कि जितने ब्लॉक्स हैं इधर आपको उस ब्लॉक में प्लाट चाहिए हो जो डेवलप हो चुके हैं उनके रेट्स तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा होंगे, अगर आपको जब चाहिए होगा तो आपको मौके पर उसका रेट भी पूछ कर कन्फर्म करवा कर अवेलेबल कर दिया जाएगा। और साथ जो अगर रेंट पर आपको चाहिए हो जिस तरह ये मकान बने हुए हैं रेंट पर अगर आपको चाहिए तो रेंट पर भी अवेलेबल है, और जो बने बनाए मकान मुकम्मल वो भी आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई अगर कोई अपना प्लाट मकान सेल आउट करना चाहता हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्टैक्ट ना जो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और जो इस वक्त ये स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट आ रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम दोनों का अमून भाई का भी और मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर ये सब स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर अपना कोई प्लाट सेल करना है या कोई मकान सेल करना है या अब कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है आपके पास प्लाट है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं विद मटेरियल जिसको कहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मुनासिब और अच्छा काम आपको करके दिया जाएगा। रेंट पर भी चाहिए हो वो भी अवेलेबल है, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने रब्ता करना है। मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता चलूँ कि हमेशा देखें ये जो मकान या प्लाट जब आप लेते हैं या परचेज करते हैं बनाते हैं आप मकान तो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये सेफ्टी के साथ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो लिहाजा जब भी आप मकान बनाएं अच्छा मटेरियल यूज़ करें, क्वालिटी कॉन्शियस हो ताकि आपका जो प्लाट है वो अच्छा बने। अभी जब हम जिस साइड पर मोड़ रहे हैं वहाँ पर बेसिकली यहाँ पे जो कि मशीन हैं वो खड़ी हैं और जो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम है ठीक वो भी आपको होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ये इनका वो एरिया है जहाँ पे इनका एक सेटअप है, इनका ऑफिस है जहाँ से जितनी भी मशीन वगैरह हैं वो यहाँ से जो यहाँ पर चाइनीज कंपनी काम कर रही है उस कंपनी का जी जी, ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आएंगे इनकी ऑफिस भी और इनकी जो मशीन है वो भी। और यहाँ से अगर आप देख अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये जितने भी पहाड़ हैं उनके ऊपर अभी 14 सितंबर 2020 में इन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और आप देख लें आज 2 वीक्स में विद इन 2 वीक इन्होंने काफ़ी हद तक काम कर लिया। अब देखिए आपको बकायदा इन पहाड़ों में भी कच्चे रास्ते यहाँ से नजर आना शुरू हो गया। आपको फ्रंट पर रुके ना तो मुकम्मल इसका व्यू यहाँ से मैं व्यूअर्स आपको बता दूं। और एक व्यूअर ने हमें कहा था एक कि हमारा आईफल टावर में काम जारी है या नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जूम करके कि अगर आपको वो रास्ते नज़र आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर ठीक है, ये रास्ते जो बने हुए हैं ये मुकम्मल रास्ते अभी इन्होंने बनाए हैं जो कंपनी काम कर रही है। मैं आपको कंपनी की जो मशीनरीज हैं वो भी आपको दिखा दूँ, वो सामने ये जो मशीनें पड़ी हैं ये समझे बेसिकली कि ये रिज़र्व में हैं जो अभी इस वक्त काम जारी है उस जगह पर। वो ऊपर मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको काम इसकी बैक साइड पर ये मुकम्मल काम जारी है आईफल टावर के अंदर, यहाँ पर मुकम्मल काम जारी है। ये मुकम्मल एरिया होगा जहाँ पर
बेल्टिंग के बाद आपको प्लॉट्स इशू किए जाएंगे, और जो मुकम्मल आपने पीछे ब्लॉक्स देखे वो सारे ब्लॉक्स ऐसे ही थे, ऐसे ही पहाड़ियाँ थी, उनको काट कर उसको प्लॉटिंग की शक्ल दी गई। और ये भी बता दूँ कि जो आइफल टावर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पर रहेगा, ऐसे ही है मून साहब जी? ऐसी है, इसमें एक तो आपको जो व्यू है वो अच्छा आएगा, अगर आप देख सकें अभी ये कच्चे रास्ते बनाए हैं इन्होंने विद इन 2 वीक, और इसके बाद जितना जो एरिया इनके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है इसको इन्होंने अभी डेवलप करना है, लेकिन क्योंकि काम बहुत तेज़ी से जारी है और जो उम्मीद की जा सकती है कि वो यही है कि विद इन 1 ईयर ये इसको कम्प्लीट करेंगे। ठीक हो गया, पहले डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद बल्टिंग होगी, होपफुली के वो साल के फौरन बाद बल्टिंग भी होगी इंशाल्लाह। ये आप मशीन देख सकते हैं और साथ इनके जो ऑफिसेज हैं, ये जो सामने ऑफिसेज हैं सारे ये मुकम्मल, ये जो चाइनीज़ कंपनी इधर आई हुई है जो ये सारा डेवलप कर रही है आइफल टावर को, तो इसी की ये सारी ऑफिसेज प्लस ये जो मशीनरी है ये रिज़र्व में है, काम जो है उस टाइम उस एरिया में जारी है। मुकम्मल आपको मैं व्यू एक दफ़ा दोबारा से यहाँ से करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मुकम्मल आइफल टावर का जो एरिया है, यहाँ पर प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। जो हमने आपके लिए ऑफ़र लाई थी 10 प्लॉट्स की, दोबारा से बता दूँ कि पर प्लॉट 15 लाख रुपया, और उस 15 लाख रुपए में ना आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस है ना ही आपकी जो दूसरी फाइल फ़ीस होती है वो भी नहीं है, अलॉटमेंट की फ़ीस नहीं है, सिर्फ आफ्टर बल्टिंग अगर आपका प्लॉट निकलता है तो उस वक्त आपने 1,85,000 जो कि उसकी अभी फाइल की वैल्यू है, जो फाइल उस प्लाट की वैल्यू है वो 1,885 है, उसका 10% आपने अदा करें। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको मुकम्मल इस एरिया के हवाले से, जितने आपने डेवलप एरिया इसमें सारे देखे वो भी सारे ऐसे ही थे, उस पर डेवलप किया गया उस एरिया को उस ब्लॉक को, तो आज वो आपके सामने है, आपने वीडियो में देखे कि कमर्शियल एरियाज भी उस जगह पर बने हुए हैं, मुकम्मल आपने देखा। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले यहाँ पे देखो जो उनका मेन हेड ऑफिस है, आप जब भी कोई सेल परचेज करें वहाँ से लाजमी वेरीफाई करो, वो ऑफिस भी उसका भी जो लोकेशन है अभी हम इस वीडियो के अंदर दिखा देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो हम 10 प्लॉट्स हैं हमारे पास जो है जिनकी फाइल्स और अलाटमेंट लेटर हमारे पास है, उनकी अगर आपने जब परचेज़ करना है अगर आप में से किसी ने, तो उसकी जो फाइल होगी उसको आप जो अलाटमेंट लेटर होगा क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसकी करवा सकते हैं, वो आपको मैं ऑफिस भी वीडियो में दिखा देता हूँ जहाँ से आपने जाकर क्रॉस वेरीफाई करवाना है। किसी से भी आप प्लाट लें उनको ये कहें कि जो अलाटमेंट लेटर है प्रोविजनल अलाटमेंट नहीं जो फाइनल अलाटमेंट लेटर है वो हमें ऑन द स्पॉट इशू किया जाए, 1 माह टाइम, 2 माह टाइम, 6 माह टाइम, साल टाइम ना लें, मौका पर ही वो आप उनसे रिसीव करें फाइनल अलाटमेंट। मैं आपको इसके ऑफिस की तरफ ही अभी मून भाई लेके जाते हैं और वो ऑफिस का भी एक दफ़ा मुकम्मल व्यू करवा देता हूँ आपको। ये भी इस ब्लॉक के अंदर ये भी पार्क है, ग्राउंड टाइप पार्क है, अगर बैलेटिंग के बाद आपका प्लॉट इस तरह एरिया में अगर निकल आता है लकीली जिसका आपको 10% 1,85,000 रुपया उस टाइम बैलेटिंग के टाइम एक्स्ट्रा पे करना होगा, अगर आप वो लेना ना भी चाहें तो उसके लिए भी, यानी अगर आप कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकता मुझे भी शक थोड़ा हट के प्लॉट दे दें, तो वो भी आपका प्लॉट हम इस तरह करवा सकते हैं कि वो दूसरे के साथ आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो मेन पर आकर उसकी जो है 1,85,000 वो पे करके वो प्लॉट उसके उस पर ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे करें और उसी टाइम ही समझे ऑन द स्पॉट आपकी उस प्लॉट की वैल्यू 6 से 7-8 लाख तक बढ़ जाएगी, वो आपके लिए बेहतर है कि आप उसी को ही रखें जो कि आपका बेल्टिंग के टाइम अगर लकीली अच्छे जगह पर अच्छी लोकेशन पार्क व्यू रोड के करीब इस तरह के जगह कॉर्नर या कॉर्नर निकल आता है वो आपके लिए फ़ायदा है, एडवांटेज है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलिए अब आपको ऑफिस भी दिखा देते हैं, मुकम्मल एरिया आपको हमने दिखा दिया, फिर वीडियो को एंड करते हैं। कंपनी हमने आपको दिखा दी कि काम यहाँ पर डेवलपमेंट का जारी है, जो हमारे पास 10 प्लॉट्स हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं। जब भी आप किसी से भी कोई चीज़ पर
परचेज करें तो उसकी आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि क्या वो ट्रांसफ़र फाइल जेन्युइन है, क्या वो बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र है या नहीं है, क्या वो बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है। क्योंकि अगर बार बार वो प्लाट सेल हो चुके हैं तो जो करंट आपका आनर है तो वो ट्रांसफ़र फाइल पे क्या वो उसको सेल कर सकता है। इसके साथ साथ अलाटमेंट लेटर जो आपको इशू होता है वो सिटी हाउसिंग की ऑफिस ही होता है, जो कि ए ब्लॉक में है और ये सामने ऑफिस है इसका। ये ए ब्लॉक और ये सामने जो हेड ऑफिस है जहाँ से आपने अपनी फाइल को क्रॉस वेरीफाई करना है। और अगर आप किसी भी जगह से लें, हम से लें या किसी भी जगह से लें, आप इसको यहाँ पर इसको वेरीफाई लाजमी करें। सामने मैं आपको इसका जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। ये सामने मेन ऑफिस सिटी हाउसिंग झेलम। जी और उम्मीद है कि आपको सिटी हाउसिंग में जो हम आईफल टावर में प्लाट्स आपके लेकर आए थे उसकी डिटेल हमने बता दी होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, ये इस वक्त स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा, जो अगर आपने प्लाट लेना है तो उसकी भी कंप्लीट गाइडेंस और किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई फ्रॉड कोई धोखा नहीं होगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। मून भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुकम्मल आपको डिटेल हमने दे दी होगी। तो अभी हमें आप इजाज़त दें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो भी हमारे पास सिटी हाउसिंग में हुआ काम, पहले तो आपने देखा होगा जेल में मैं काम कर रहा था तो अमून भाई के साथ अटैच हुआ हूँ, तो ये सिटी हाउसिंग में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिटी हाउसिंग में भी नेक्स्ट मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँगा। मकान के में हो, रेंट पर हो या प्लाट्स की शक्ल में हो, इंशाल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँगा। अमून भाई एंड करें फिर, ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।